आज जो पूज्य आद्य गुरु शंकराचार्य जी की स्थापित मठों में गुरुजन विराजमान हैं, वो धर्म को संचालन करने के लिए हैं, उनकी बात को समझना बड़ा कठिन है कि साधारण धर्म को तो लोग समझ नहीं रहे, त्रिकाल संध्या आदि की बात तो समझ नहीं रहे, वेदांत को कौन समझेगा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, तो उनकी बात को समझने के लिए थोड़ी योग्यता चाहिए। गुरुजनों के चरणों की सेवा करके, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करके, नाम जप करते हुए, मंत्र जप करते, तब उनकी बातें समझ, वो ठीक शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे संसार निंदा करे या वंदना करे, उनसे कोई मतलब नहीं होता। जो आचार्य पीठ पर विराजमान है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम शब्द होंगे और धर्म की स्थापना के शब्द होंगे कि आचार्य पीठ पर विराजमान महापुरुष का यही परम कर्तव्य है, स्वयं शास्त्र सम्मत आचरण, शास्त्र वाक्य और समाज को शास्त्र के अनुसार ही चलाना। यही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने चार मठों में स्थापित करके आचार्य पीठ पर विराजमान होने वालों के लिए आदेश किया, और अक्षरशा वैसा पालन किया जा रहा है आचार्य पीठ पे। आज भी पूज्य महाराज जी का जो आपने नाम लिया, तो उनकी वाणी में शास्त्र ही होगा और जीवन में शास्त्र होगा। अब ऐसे की वाणी को, महापुरुषों की वाणी को समझने के लिए पहले धर्म को तो जाने। अब जो धर्म विहीन आचरण करते हैं वो सुन के भी नहीं समझ सकते ना, उसके लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, कुशाग्र बुद्धि चाहिए, शरणागति चाहिए प्रणिपाते में। और वो तो देहाभिमानी जीव कैसे, फिर भी आचार्य कृपा गुरु कृपा से जन का कल्याण हो रहा है, करते ही रहेंगे आचार्य पीठ पर विराजमान जो महापुरुष हैं। हाँ, तो उनकी महिमा का गान करने की सामर्थ्य हमारी क्या, वो तो साक्षात भगवान शंकर ही हैं, जो ज्ञान समुद्र हैं, बोध संपन्न है, जो स्वरूप में स्थित हो गया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, कहते मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो आप प्रभु की आत्मा है ज्ञानी जन, तो वो तो आत्मा बोध संपन्न महापुरुष हैं। जो आचार्य पीठ पर विराजमान होते हैं, बोध संपन्न महापुरुष विराजमान होते हैं, तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बस ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की महिमा का जो स्थापन है, उसका संचालन होता रहे, उनके आशीर्वाद से जगत उनकी आज्ञा का पालन करे, इसीलिए वो आचार्य पीठ पर विराजमान किए हैं आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी। समझ पा रहे हैं जी।